पंचर मतलब बनाते हैं और इनको लेके जा रहा हूँ मैं गाड़ी के पास। और ये देखिए ये टायर खोलने वाला है, ये भी टायर खोल के रखा थे। और ये मावली टायर रिमोट गाड़ी आई है, देखिए आउटसेट है हमारे, आउटसेट टायर रिमोट करते हैं और कुछ डिस्काउंट भी किए हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुबह का नमस्कार, नए ब्लॉक में स्वागत है। सुबह का 9 बजे है दोस्तों। अब मैं आया हूँ पार्किंग में, गाड़ी का जो टायर है हाउसिंग का वो रिमोट करने का देना था, तो यह पार्किंग में जगह ही नहीं है। देखिए दोस्तों, मैं पूरी गाड़ियाँ भरी हुआ है, इधर कहीं लगाने का जगह ही नहीं है। और ये जो टायर है इनके इधर इधर भी जगह नहीं है। देखिए तो मैंने बात किया है एक टायर का, वो 200 रुपये लेंगे, खोल के दे देंगे। और फिर इनका मशीन है, तो देखिए मशीन चलता फिरता कंप्रेसर है, ये चलता फिरता कंप्रेसर है। इधर से जाके कल रिमोट हो जाएगा, तो कल वो उसमें हवा भर के और कल फिट करके दे देंगे। हम चलते हैं, देखिए हमारे इमरान भाई के आदमी हैं, पंचर मतलब बनाते हैं और इनको लेके जा रहा हूँ मैं गाड़ी के पास। और ये देखिए ये टायर खोलने वाला है, सर से मारेंगे, हथौड़ी की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं गाड़ी के पास। तो ये दोस्तों पापा तो आगे जा रहे हैं और ये ट्रक टर्मिनल से बहुत सारी गाड़ियाँ इधर लगी हुई हैं, ये देखिए। तो गाइस हम लोग गाड़ी पे आ गए हैं और ये देखिए पापा ऊपर चढ़े हैं, वो जैक वगैरह उतार रहे हैं, ये देखिए वो अंदर जैक रखा है, जैक निकाल रहे हैं। और हमारे साथ जो भैया हैं वो गए टायर के पास, तो मैं आपको टायर का व्यू दिखाता हूँ। टायर खोलने जा रहा था तो जैक जो है ना वो ऐसा आइसिल चला गया, अब आइसिल में पूरी चला गया तो पूरी आयल फेंक दिया। तो आदित्य को मैं भेजा हूँ जाके लेके आओ बना के, तो चला गया दुकान पे। और ये गाड़ी वाला से मैंने जैक लिया, तो जैक लगा के और अभी वही जैक टायर खोल के दिया मैंने, ये देखिए अभी टायर खोल आए हैं, खोल के मतलब हवा निकाल रहे हैं, उसको खोल के डिस अलग करेंगे, अभी देखते हैं। तो ये देखिए अभी हमारा जो टायर है उसको खोल रहे हैं, ये खोल के जाएगा रिमोट में और डिस्क रहेगा हमारे पास। तो अभी ये खोल रहे हैं, फिर ये खोलेंगे, फिर शायद ये टायर को भी खोलने का प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि ये भी तो सब ख़त्म ही हो रहा है। अभी टायर खोल दिए हैं देखिए, ये और डिस एक इधर पड़ा है और एक डिस इधर नीचे लगा दिया हूँ, ये देखिए। अब इनको जग दे दूँगा। तो दोस्तों अभी आदित्य को भेजा था जग बनवा के लेके आने के लिए, तो आदित्य अभी आ रहा, उसको बोला नाश्ता भी लेते आना, तो नाश्ता भी नहीं किया सुबह से दोस्तों, तो नाश्ता भी कर लेते हैं, देखते हैं क्या लेके आता है नाश्ते में। ये देखिए टायर खोल दिए हैं, ये दोनों टायर अभी रिमोट करने के लिए भेजेंगे। और आदित्य को भेजा था जैक बना के लेके आने के लिए, तो अभी जैक बना के लेके आ रहा, उसको बोला कि नाश्ता भी लेते आना, तो गया देखते हैं क्या नाश्ता लेके आएगा। A few minutes later, ये देखिए दोस्तों आदित्य आ गया जैक बनवा के और ये नाश्ता भी लेके आया है। अभी ये जग बना दिया ना, ये देखिए दोस्तों ये जग में आइसिल चला गया, 1 लीटर आयल लगा इसके अंदर 200 रुपये का और आइसिल लग गया 250 रुपये का, इसमें आइसिल इसमें आयल डाले हम लोग। फिर अभी ये जग दूसरे का जग लगाया हूँ, ये गाड़ी वाले का, तो उसका देख देता हूँ, अपना जग लगा देता हूँ। सुबह का 10:30 बज गया है और ये देखिए आदित्य लेके आ गया नाश्ता, चलते हैं नाश्ता करने, चटनी और समोसा लेके आया है मेरा मैं लेते हैं, देखते हैं कैसा है। आज का हमारा नाश्ता यही है, समोसा खाते हैं, चटनी खोल लो आदित्य इधर है। देखिए अभी टायर खोल के रखे थे और ये मावली टायर रिमोट गाड़ी आई है, तो अभी ये आज खोल के दिए हैं, कल रिमोट करके आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं टायर, आइए रखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारा टायर जा रहा है अब गाड़ी के अंदर, रिमोट हो के आएगा कल, पर चेक भी करना पड़ेगा। ये एक में एयर लग रहा है क्या बाबा? ये टायर इसका थोड़ा हमको गड़बड़ लग रहा है, तो अभी मशीन में चेक करेंगे कि कैसा है, बताएंगे चलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा एक टायर दे देंगे इधर से खोल के। पहले देखिए ये हमारा दूसरा टायर भी जा रहा है अब,
तो दोस्तों गाड़ी गई और ये अभी टायर बाकी है, इसको भी देखेंगे उसमें कैसा मालूम पड़ता है कि ख़राब है कि अच्छा है। नहीं अगर ख़राब रहेगा तो फिर इसको खोल देंगे। चलते हैं टायर दुकान में, देखते हैं कौन सा बटम टायर डालते हैं, आदित्य का पसंद कर डालेंगे। ठीक है चलिए, मावली टायर रिमोट दुकान में आ गया हूँ और ये देखिए हमारा टायर आ गया है, अभी उतार रहा हूँ, इसको देते हैं। लीजिए बाबू उतार। चलिए दोस्तों हमारा टायर आ गया है और ये है दुकान मावली टायर रिमोल्डिंग, तो चलते हैं इसके अंदर। ये देखिए काफ़ी सारे टायर भी है, टायर लेके जा रहे हैं, चलिए दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों बहुत सारे टायर लगा हुआ है, अपना टायर यहाँ पर रख दिए हैं। देखिए अभी सब ये सब रिमोट के लिए आया हुआ है, और आइए दिखाते हैं कौन सा टायर अपने को लगाना है, रिमोट कराना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। ये देखिए बहुत सारे इधर एग्जाम्पल के लिए सब सैंपल पीस रखा हुआ है, सैंपल है। ये देखिए ये है और ये मिराज की, इधर देखिए ये रेडियल टायर का है और इधर भी एक मिराज का है, तो इसी टायर को लगाएंगे दोस्तों, एक रबड़ चढ़वाएंगे, देख रहे हैं। तो दोस्तों यही रबड़ जो है हमारे टायर के ऊपर लगने वाला है, ये देखिए बहुत ही अच्छा नक्शी है इसका। और दोस्तों बहुत अच्छा आप सकते हैं, और ये देखिए राउंड सेट है, देखिए राउंड सेट है हमारे, अच्छा टायर रिमोट करते हैं और कुछ डिस्काउंट भी किए हैं, मतलब हमारे लिए कुछ डिस्काउंट किए हैं और सबके लिए भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये इनका टायर का दुकान है। तो ये देखिए इधर अंदर टायर कटिंग हो रहा है शायद, टायर की है। ये देखिए कितना, ये क्या हो रहा है पापा, ये इसी को मतलब ऊपर का रबड़ की घिसाई हो रही है। अच्छा टायर की घिसाई हो रही है, घिसाई होने के बाद रबड़ चढ़ेगा इसके ऊपर। अच्छा तो ये देखिए दोस्तों इधर से टायर की घिसाई हो रही है और इसके ऊपर फिर रबड़ चढ़ेगा ना, वही रबड़ चढ़ाएंगे जो आपको दिखाए थे। देखिए ये सब जो साइड में रखा हुआ है, यही सब मतलब हर साइज का है, तो 12 किलो का है, 18 16 किलो का है, ऐसा वजन के हिसाब से है। ठीक है चलते हैं, अब ये रिमोट करके दे देंगे, कल तक हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, दो चार घंटे में हो जाएगा, हो जाएगा दो चार घंटे में करते जाएगा। चलते हैं कुछ गाड़ी में खाना वाना बना लेते दिन भर, तो टायर तो मतलब टायर के पीछे पूरा दिन चला गया, कल भी ऐसे ही चला गया, पार्किंग में जगह नहीं मिला था। चलते हैं मार्केट, कुछ भाजू के लाएंगे, जो खाना रहेगा देखते हैं, चावल या बिरयानी, मटर बिरयानी, जो कुछ भी वेज बिरयानी बनाएंगे। तो चलते हैं मार्केट, देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है One hour later. तो दोस्तों अभी दोपहर के 1 बज गए हैं और हमने जहाँ पर टायर दिया था बनाने के लिए, तो वो बोले टायर बन नहीं पाएगा, एक्चुअली दोनों टायर में एयर आ गया था, तो जिसकी वजह से वो रिमूव नहीं हो सकते। तो अभी पापा बोले कि मतलब थोड़ा बहुत है उसमें माल, तो पापा बोले उसको ही चलाते हैं, चला चला के फोड़ देंगे। तो मैं तो यहाँ पर उनसे बात करने के लिए गया था थोड़ी देर बाद, और पापा गए थे तो मार्केट, तो मार्केट से जाके आ गए हैं और गाड़ी में बैठे हैं। तो चलते हैं पापा के पास, देखते क्या कर रहे हो। उसी के ऊपर पापा बैठे हैं, चलते हैं। तो पापा क्या कर रहे हो? यही भाजी बना रहा हूँ, मैं मार्केट गया था ना, जाके लेके आया वांगी, ये लेके आया सिंगा, और ये लेके आया फ्लावर। तो क्या बन रहा है आज पापा? आज बना रहे हैं कढ़ाई में बनाएंगे मिक्स भाजी। अच्छा आज मिक्स भाजी बनेगा, एकदम मिक्स वेज भाजी। हाँ। देखो चावल रख दिया, एकदम अच्छा चावल डाल दिया हूँ, और टाइम भी 1 बज गया ना, अब क्या करें जल्दी जल्दी। और टायर के बारे में गया था रिमोट के लिए, तो क्या हुआ उसका? मैं वही बात करके आया, तो बोले कि वो चल नहीं पाएगा। क्या वो बोल रहे थे कि वो टायर चल नहीं पाएगा, मतलब अब रिमोट नहीं हो सकते, उसमें एयर आ गया है। दोनों में एयर आ गया है? हाँ दोनों में एयर आ गया। तो यार अपना फालतू में मजदूरी इधर गया, एक टायर का 200-250 रुपया बोला है खोल फिट का, दो टायर का 500 फालतू में चला गया। अभी क्या कर सकते हो, तो करना ही पड़ेगा ना पापा। और नया टायर लेंगे तो 38-40 हज़ार जोड़ी है। हाँ वो भी बहुत महंगा है अभी, तब तो एयर ले लिए तो गाड़ी नहीं चल पाए, वो टायर मतलब एयर रिमोट नहीं हो पाएगा। तो उसे काम करते उसको इसी तरह ला के बोल दो, उसको ला के दे दो भाई, तो ला के फिट कर लेते, उसको क्या करेंगे, उसको फोड़ना ही पड़ेगा। आप फोड़ देंगे जिस दिन फूटेगा उस दिन कैसे रहेगा, नया डाल लेंगे, अभी से लेंगे तो उसको कहाँ रखेंगे, अगर एक जोड़ी नया ले भी लेते हैं तो वो दो टायर कहाँ रखेंगे, लिफ्ट सब है। तो इस तरह से अगर बेचने जाएंगे तो एक टायर का 800 रुपये कीमत मिलेगा, 1600 रुपये मिलेगा, इसलिए उसको लाओ और ला के जब फिट करते हैं, फिट करके उसको फोड़ते हैं चला चला के, बाद में नया टायर डालेंगे। सही है। ये देखो आदित, मेरा भाजी मतलब कट रहा हूँ मैं मस्त, ये देखो भाई। अच्छा तो अपना वेज भाजी में क्या क्या डाल रहे हो पापा? एकदम स्पेशल वांगी, और वांगी के साथ में सेंगा,
इसे काटेंगे। और क्या रहेगा वहाँ पर? इसके साथ में फ्लावर रहेगा ये। अच्छा, तो तीनों भाजी रहेगा, हल्का मसाला रहेगा, दम हल्का, और नमक रहेगा, टमाटर रहेगा, इतना दम खटूरस में, इतना लटर पटर में ना कि अगर एक बार खाएंगे ना तो हमारे याद करेंगे कि हाँ क्या खाना बनाया पापा आपने। तो ठीक है दोस्तों, पापा खाना बना रहे, तो वेट करते हैं। देखिए सब कुछ काट रहे हैं अभी पापा। जैसे चावल उतार दिया हूँ, अच्छा लगता है, चावल बन गया है। और ये हम कढ़ाई रख दिया हूँ, तेल डाल दिया हूँ, मीठा तेल है। और ये देखिए हम मिक्स भाजी काट लिया हूँ। और ये देखिए प्याज, मिर्ची, अदरक, ये लहसुन जो हमारा था दोस्तों, इसको हवा लग गया है, ये एकदम हवा लगने से चेंज हो गया है। अगर हवा नहीं लगता तो ऐसा नहीं होता पीला, पूरी का पूरी मतलब आधा किलो लहसुन खराब हो गया है ट्रक में। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए अभी हम इसमें चलते हैं डालने। पहले अदरक ऐसे ही खड़ा काट लिया हूँ, देखिए अभी मैं डाल दिया हूँ। पानी आ रहा है ऊपर से, इसलिए छनक रहा है बार बार, ऐसा छनक रहा है, ऊपर से बारिश गिरना चालू है, बाहर देखिए सब बारिश चालू हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम ये सब एक ही साथ में डाल देते हैं, लहसुन, मिर्ची और प्याज, तो बस भुजेंगे, ब्राउन करेंगे दोस्तों इसको अच्छी तरह से। A few minutes later, देखिए हमारा प्याज भुजा के लाल हो गया है, ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम चलते हैं टमाटर डालने, और ये रहा हमारा टमाटर, इसको भी भूज के दम उसी में दम हलवा करेंगे दोस्तों। टमाटर भूज गया है मस्त, अब इसमें डाल रहे हैं सब्जी, ये रहा हमारा सब्जी, देखिए कितना मस्त लाल लाल दिख रहा है इसका, देखिए हम डाल रहे हैं। तो मिक्स करते हैं दोस्तों अच्छी तरह से। 5 minutes later, ये दोस्तों देखते हैं भाजी, ये देखिए बुझा गया है। इसमें हम चलते हैं मसाला डालने, ये तो मसाले में है देखिए, धनिया, हल्दी और ये लाल मिर्च पाउडर, एवरेज मसाला। अब इसको हम भूजेंगे दोस्तों अच्छी तरह से, देखिए किस तरह से मिला रहे हैं, अच्छी तरह से फिरा फिरा जिसको मिलाएंगे। 3 minutes later, ये दोस्तों देखते हैं भुजा के कैसा हुआ है, ये देखिए मस्त भुजा गया है दोस्तों, ये देखिए नीचे से भी लगना शुरू हो गया है। अब इसमें चलते हैं नमक डालने, और ये रहा हमारा नमक, ये रहा नमक जा रहा है दोस्तों, ये देखिए पानी है दोस्तों, ये देखिए थोड़ा सा पानी इसको छोड़ के भूजेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसको पका के उतार के अभी खाना खाएंगे। देखिए खाना बन चुका है, ये चावल है और ये सब्जी है और ये सलाद बना लिए हैं, दो थाली है, और आधे खाना निकालेंगे। क्या आदित निकालेंगे कि नहीं? हाँ निकालूंगा ना। अरे निकालिए फिर, कैसा है खाना देखिए, मस्त बना है। आज मैं खाना निकालता हूँ, सबसे पहले चावल निकालता हूँ मैं। अब सब्जी निकालिए, ये देखिए दोस्तों हमारा सब्जी निकालते हैं, टेस्टी सब्जी बनी आज मिक्स। ये देखिए दोस्तों कितना फर्स्ट क्लास का खाना बना है, तो चलिए पापा खाते हैं। पानी किधर रखे हैं? ये देखिए पानी भी है इधर रखा हुआ है, काफी टाइम भी हो गया है, 3 बज गया दोस्तों, चलिए अब खाते हैं, खाना तो बन गया है। क्या बना पापा? बहुत ही मस्त बना है दोस्तों। चलिए मैं भी खाना खाता हूँ। ये देखिए चावल सब्जी आज बनाया है मिक्स भाजी, तो खाते हैं दोस्तों। तो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में अभी जो टायर जो रिजेक्ट हुआ है, मतलब रिमोट नहीं होएगा, एयर लिया है, तो उसी टायर को अभी फिट करेंगे खाने के बाद। और 3 बज गया दोस्तों अभी टाइम, ठीक है। 1 hour later, तो दोस्तों हम लोग ने खाना खा लिया है, और गाड़ी जो सभी आई थी टायर देकर गई है, ये देखिए पापा खड़े हैं, तो चलते हैं अब टायर लगाने के लिए। ये देखिए यहाँ पर खोला था, तो यहाँ पर लगाना है, रिमोट तो नहीं हुआ, वैसे ही लगा कर चलाएंगे। तो ठीक है अब लगाते हैं, चलो पापा। पहला टायर लग गया है, अब चलते हैं दूसरा टायर लगाने के लिए। तो अब ये देखिए, अब हमारा दूसरा टायर भी चढ़ गया है,
और पापा अभी इस व्हील पन्ना से और छोटा वाले टाइलीवर से इसे टाइट कर रहे हैं। बाद में ये जो टॉमी है इससे करेंगे टाइट। पहले हाथ से टाइट कर रहे हैं और a little longer than a few minutes later। तो दोस्तों शाम को 7:30 बज गए हैं और टायर और फिट किए तो बहुत गंदे हो गए थे। आदित भी गंदा हो गया था तो आदित भी चला गया पार्किंग में नहाने। मैं भी नहा के ड्रेस और चेंज करके फ्रेश हो गए हैं। तो दोस्तों अभी दिन में जो खाना बनाए थे वो सब्जी चावल है, ये थोड़ा बहुत खा लेंगे। तो दोस्तों अभी ब्लॉग को हम एंड करते हैं, फिर सुबह नए ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।